बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से हैं। मेरा नाम रायनूर है और मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल पे वेलकम करता हूँ। मेरा सब्जेक्ट मैथमेटिक्स है। इस वीडियो में मैंने आपके साथ एक क्वेश्चन डिस्कस करना है जी, जीआरई मैथमेटिक्स से रिलेटेड ये क्वेश्चन है जिसको आप जनरल जीआरई भी बोलते हैं। तो ये बेसिकली टाइम से रिलेटेड क्वेश्चन है और टाइम से रिलेटेड क्वेश्चन काफ़ी दफ़ा पूछा गया है। तो आए जी स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन बेटा है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस इन द डिग्री मेजर ऑफ द एंगल्स फॉर्म्ड बाय द आवर हैंड एंड द मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक एट 12:35 टू 12:36। यानी कि इन दोनों टाइम में देखें तो 1 मिनट का ही डिफरेंस है। अब सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि जो आवर हैंड है वो आवर हैंड 1 आवर में कितना एंगल बनाता है, फिर आवर हैंड 1 मिनट में कितना एंगल बनाता है, फिर हमें ये पता होना चाहिए कि जो मिनट हैंड है वो 1 आवर में कितना एंगल बनाता है, ठीक है जी। कितने मिनट्स में वो जो है वो ऐसे समझ लें आप। चलें क्वेश्चन जो है ना वो डिस्कस करते हैं। सही है, आपने ये नहीं समझना कि सर जी भूल गए, नहीं ऐसी बात नहीं है। मैं आपको सामने 2 क्लॉक बनाता हूँ, ठीक है, और उससे आपको वाजे जो है ना वो समझ आ जाएगी। जैसे ये फर्स्ट क्लॉक मैं बना रहा हूँ आवर हैंड का, और सेकंड जो क्लॉक बना रहा हूँ ये है जी मिनट हैंड, अच्छा जी। यहाँ पर 12 है, यहाँ पे 1 है, ठीक है। आपको पता है कि टोटल जो एक कंप्लीट रोटेशन में 360 डिग्री बनता है एंगल, तो क्लॉक के अंदर 12 आवर्स होते हैं, यानी कि 1 आवर में 1 आवर में जो एंगल बनेगा वो 30 डिग्री बाय 12 करें आप तो 30 डिग्री बनेगा। 1 आवर में 30 डिग्री एंगल बनेगा जी, समझ रहे बात। इस तरह से यहाँ पर 30 डिग्री एंगल बनेगा 1 आवर में। और अगर मैं इसको 1 मिनट में बनाना चाहूँ, आवर हैंड को ही 1 मिनट में चेंज करना चाहूँ, 1 मिनट में ये कितना एंगल बनाएगा, तो मुझे इसको 60 से डिवाइड करना पड़ेगा क्योंकि 1 आवर में 60 मिनट्स होते हैं। इसको सॉल्व करें तो 1/2 यानी कि 0.5 डिग्री जो है आवर हैंड 1 मिनट में एंगल बनाएगा। बात फॉलो करें। इसके बाद हम चलते हैं जी मिनट हैंड पे। मिनट हैंड जो है 1 आवर, मिनट हैंड जो 1 आवर है वो कितने मिनट्स में बनाता है ये आप मुझे बताएं। 5 मिनट्स में नहीं बनाता, जब यहाँ पर वो यानी कि 5 मिनट्स में वो कितना, जब 12 से 1 तक आएगा तो जो एंगल है वो 30 डिग्री मिनट हैंड कितने टाइम में बनाएगा, 5 मिनट में बनाएगा, ठीक है जी। 5 मिनट में वो 30 डिग्री एंगल बनाता है। बात फॉलो कर रहे हैं आप। लेकिन आवर हैंड जो है वो 1 आवर में 30 डिग्री एंगल बनाता है, मिनट हैंड जो है वो 5 मिनट्स में 30 डिग्री एंगल बनाता है। ओके, क्या मैं समझा पाया हूँ आपको। 5 मिनट, मिनट हैंड जो है वो 5 मिनट्स में 30 डिग्री एंगल बना रहा है, तो ये 1 मिनट में कितना एंगल बनाएगा, 30 डिवाइड बाय 5, 6 डिग्री बनाएगा जी, 6 डिग्री बनाएगा। दोनों मैं दोबारा जो है वो आपको इलेबोरेट करता हूँ कि जो आवर हैंड है बेटा 1 आवर में वो 360, क्योंकि कंप्लीट जो रोटेशन है वो 360 डिग्री होती है और टोटल जो आवर्स हैं वो 12 हैं, तो 360 डिवाइड बाय 12 करें तो 30 डिग्री एंगल 1 आवर में आवर हैंड बनाता है। अब आवर हैंड जो है वो 1 मिनट में 30 डिवाइड बाय 60 करेंगे क्योंकि 1 आवर में 60 मिनट्स होते हैं, तो 30 डिवाइड बाय 60, तो 0.5 डिग्री जो है आवर हैंड 1 मिनट में एंगल बनाएगा 0.5 डिग्री। अब आ जाए मिनट हैंड पे। मिनट हैंड में जो 30 डिग्री एंगल है वो 5 मिनट में बनता है, 5 मिनट इज इक्वल टू 30 डिग्री आ गया। ओके जी, अब 1 मिनट में तो 5 उधर जाके डिवाइड होगा 6 डिग्री। अब उसने पूछा क्या था, व्हाट इज़ द डिफरेंस
इन द डिग्री मेजर ऑफ द एंगल्स। तो इन दोनों का आपने डिफरेंस बताना है, तो 6 डिग्री में से 0.5 डिग्री माइनस कर दें तो 5.5 डिग्री जो है वो चार्ली ऑप्शन बनेगी हमारी। बड़ा इंटरेस्टिंग और अच्छा क्वेश्चन है ये, सही है। तो उम्मीद है कि आपको इसकी समझ आ रही होगी, इसको अच्छे से पढ़ें आप, ठीक है। और बाकी कोई कमी बेशी रह गई हो तो माफ़ करिएगा। बाकी नेक्स्ट वीडियो तक के लिए जी राय नूर को इजाज़त दें, अपना बहुत ख्याल रखें जी, अल्लाह हाफिज़। और याद से वो कमेंट लाजमी किया करें, ओके जी, अल्लाह हाफिज़।